गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी से जुड़े ही बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए इंतजार था कि आप लोग चाह रहे थे कोई आरआरबी कोई ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकाले, कोई ऐसा न्यूज़ दे जिससे आपकी रिजल्ट डेट, आपकी आंसर कीज की डेट और आपका जो ऑब्जेक्शन करना है आंसर कीज के बाद में जो ऑब्जेक्शन डालना है वो किस प्रकार से डालना है, क्या आंसर लिखकर आएंगे, क्वेश्चंस जो है लिखकर आएंगे तो वो लिखकर कैसे आएंगे और क्या टाइप रहेगा, हमें ऑप्शंस जो रहेंगे वो ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे, क्या गलत और सही ऑप्शन आपको दिखेंगे वहाँ पर या नहीं दिखेंगे, रिजल्ट डेट क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी वो भी देखेंगे और आंसर कीज की डेट क्या क्या रहेगी वो भी देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ऑफिशियल न्यूज़ के साथ में पूरा का पूरा इस वीडियो को देखिएगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स आपको इस नोटिफिकेशन के बाद भी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। फ्रेंड्स, हमेशा मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर जैसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी की वीडियो आपको ऑनलाइन फ्री स्टडी की वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और उन वीडियोज़ की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो पीडीएफ कब मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से अपनी पोस्ट डाल सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हो, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहले चलेंगे ऑनलाइन। तो देखिए, हम लोग ऑनलाइन आ गए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक वेबसाइट है, ये एक न्यूज़ चैनल है बहुत बड़ा और ये ऑफिशियल न्यूज़ देता है हमेशा, बैंक की, डिफेंस की, पीएससी की, पीसीयू की, रेलवे की और टीचर्स जॉब और यूपीएससी, एसएससी, बाकी सारी न्यूज़ जो है ये ऑफिशियल देता है। तो अब न्यूज़ क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ है आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट आंसर की रिलीज डेट चेक हियर, मतलब कि इन्होंने कह दिया कि यहाँ से चेक करें रिलीज डेट को। अब हम देखते हैं क्या बोला इन्होंने, आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट आंसर की 2018 द रिजल्ट आरआरबी ग्रुप डी आंसर की विल बी रिलीज ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एंड रिजल्ट ऑन द लास्ट वीक ऑफ द सेम मंथ, मतलब कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका 10 तारीख तक आपकी आंसर कीज आएंगी, ओके, और 15 के बाद, मतलब सॉरी 10 तक आपकी आंसर कीज आएंगी, ओके, और आपकी 22 या 23 के बाद या 22 या 23 के बाद जो है आपका रिजल्ट आएगा लास्ट वीक में। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर कर दिया यहाँ पर। और देखिए, न्यूज़ भी देख लीजिए कब की है, ओके, कल की न्यूज़ है, शाम की न्यूज़ है, इसलिए फ्रेंड्स मॉर्निंग में आपको बता रहा हूँ, ओके। और देखिए, और भी पढ़ लेते क्या क्या है। द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड विल बी रिलीज द आंसर की ऑफ द ग्रुप डी एग्जामिनेशन द फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी एंड द रिजल्ट बाय द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ। द आंसर की हैव बीन प्रिपेयर्ड ड्यू टू द हॉलीडे, द बोर्ड इज नॉट रिलीजिंग इट this week. The answer key of the RRB Group D examination will be released on the first week of January. RRB official, ये क्या लिखा है आप देख पढ़ लीजिए, आपको अगर थोड़ा सा आपने जीके पढ़ा हो, करंट पर पढ़ा हो तो देखिए, RRB official अंगराज मोहन said adding that the result will be released on the last week of the same month, यानी कि जनवरी में आपका आएगा आंसर की, आपको मिलेंगे 5 दिन मैक्सिमम ऑब्जेक्शन के लिए, ओके, उसके बाद 5 से 6 दिन लगेंगे फिर दोबारा से आपका जो है रिजल्ट आने के लिए, तो आपका 20 से 22 तारीख हो जाएगी। अब देखें, यहाँ पढ़ेंगे, ये वही बोल रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम था 17 दिसंबर को कम्प्लीट हो गया था, इसके बाद और पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है टू राइज ऑफ ऑब्जेक्शन के बारे में पढ़ लेता, टू राइज ऑब्जेक्शन ऑफ आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन एग्जाम द कैंडिडेट हैव टू लॉग इन विथ यूजर आईडी एंड दे नीड टू गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड आंसर केयरफुली, रिमेंबर द ऑब्जेक्शन मस्ट बी इंटर ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। आप अगर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो आपको जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही एंटर करना है। द ऑब्जेक्शन कैन बी राइज ओनली अगेंस्ट क्वेश्चंस एंड देयर रिस्पेक्टिव अल्टरनेटिव्स इन दिस मार्क्स कॉलम, एंटर योर रीजन फॉर ऑब्जेक्शन क्लियरली, ठीक है। ऑब्जेक्शन आप क्यों कर रहे हैं ये आपको क्लियरली कॉलम में एंटर करना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी, ऑफिशियल न्यूज़ थी और इसके बाद भी हम देखने वाले हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको कल बताई थी, कौन सी न्यूज़ है
ये रही न्यूज़, ठीक है। तो ये न्यूज़ भी आप पढ़िए एक बार, क्योंकि मैंने इसमें बताया था कि आपको अप्रैल 2019 तक, अप्रैल पूरा खत्म होने तक आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। वो भाई ऐसा क्यों मैंने ऐसा बोला, आप ही देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा समाप्त हो चुकी है कि, और अब रेलवे भर्ती बोर्ड जल्दी से जल्दी रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट जो है जारी करने की तैयारी कर रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष अश्वनी लोहानी ने ग्रुप डी का लिखित परीक्षा का परिणाम जनवरी तक जारी करने की आदेश दिए हैं, जनवरी तक आदेश करने के दिए हैं। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह रेलवे ग्रुप डी का फाइनल रिजल्ट जो है अप्रैल 2019 से पहले जारी करे, क्योंकि सरकार चाहती है कि रेलवे भर्ती इलेक्शन से पहले पूरी हो जाए। ओके, जो लोकसभा के इलेक्शन है उससे पहले पूरी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ लीजिए, रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट किस दिन आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने साफ साफ आपको पहले ही बताया था, देश की सबसे बड़ी जो रेलवे परीक्षा है वो जल्दी से घोषित की जाएगी। पहले रेलवे ग्रुप डी की लिखित परीक्षा निकट मतलब रिजल्ट निकाला जाएगा, उसके बाद तुरंत बाद अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और रेलवे ग्रुप डी फाइनल रिजल्ट घोषित करने की भी तैयारी कर रहा है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो रिजल्ट आ रहा है वो मैंने आपको, देखिए पैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, देखिए जनवरी के लास्ट तक आ ही जाएगा आपका रिजल्ट, जो सीबीटी हुआ है उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जो फिजिकल है वो आपका फरवरी के इन द एंड, फरवरी के 15 से 20 तारीख तक स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और मार्च तक चलेगा, क्योंकि फिजिकल में टाइम लगेगा, क्योंकि स्लॉट स्लॉट डिवाइड होंगे इसलिए। तो अब और भी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि फिजिकल के लिए कितने व्यक्ति बुलाने थे पहले। पहले देखिए पूरी पोस्ट के दुगने बना लेते, यानी कि 62,907 स्टूडेंट्स को बुलाना था, मतलब उनके दुगना बुलाना था, यानी कि 125,814 स्टूडेंट्स को बुलाना था। लेकिन अगर किसी को नहीं पता है, वैसे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है पुरानी है, लेकिन फिर भी मैं आपको दे देता हूँ। अब जो जाएंगे स्टूडेंट्स वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट जाएंगे, यानी कि 3 गुना स्टूडेंट जाएंगे, 188,721 स्टूडेंट भाग लेंगे फिजिकल में। ओके, कितने लेंगे, 188,721 स्टूडेंट इसमें भाग लेने वाले हैं। ओके, तो एक्स्ट्रा जितने भी बनते हैं स्टूडेंट्स, देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा वैकेंसी तो इतनी है, लेकिन आपको बता दूँ वेटिंग लिस्ट बनेगी, सभी के लिए वेटिंग लिस्ट बनेगी, और वेटिंग लिस्ट में भी कैटेगरी बनेंगी। आप अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, 10 से 15 दिन पुराना नोटिफिकेशन, आपका एग्जाम जब खत्म नहीं हुआ तब का नोटिफिकेशन है। उन्होंने जारी बताया था कि आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और मेरिट लिस्ट में भी जिस प्रकार से आपको कैटेगराइज करा जाता है उस प्रकार से कैटेगरी बनाई जाएंगी वहां पर। ओके, तो देखिए ये न्यूज़ है। और सबसे अच्छी, अगर आपका एग्जाम निकल जाता, आपका एग्जाम हो जाता, आप पास हो जाते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या देखा जाएगा मेनली, तो फ्रेंड ये जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है लोगों के लिए। क्या होता है, कई बार सोचते हैं कि भाई मार्कशीट में थोड़ी सी दिक्कत ही तो है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत है, फादर का नेम में थोड़ा सा दिक्कत ही है, मदर का नेम में थोड़ी दिक्कत नहीं, डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 एक अंक 2 आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर फ्रेंड मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर आपका नेम देखा जाएगा, फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, परसेंटेज और पासिंग ईयर, ये चीज़ें देखी जाएंगी मेनली। और आपकी जो भी मार्कशीट है वो क्या होना चाहिए, एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या स्कूल से होना चाहिए। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट, आपका एक्स सर्विसमैन, या आप ESM, यानी कि एक्स सर्विसमैन हो, या स्पोर्ट्स पर्सन हो, या आपके पास कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट है जो आपको दिखाना है, उस वो रियल होना चाहिए, और उस पर स्टाम्प जो हो या फिर सील जो लगती है वो रियल होना चाहिए। आपका जो आधार कार्ड है उसकी दोनों साइड की फ़ोटो कॉपी लगेगी, ये कंफर्म है फ्रेंड्स, लगेगी, तो ये ले जाइएगा फोटो कॉपी और आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाइएगा, जिससे क्या होगा आप ले जाने के बाद वहाँ पर दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। और आपके फोटोज़ तो आपको पता ही है, आपके फोटोज़ लगेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और है सभी के लिए, जो PH कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। देखिए PH कैंडिडेट के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपका CBT आप निकाल लेते हैं तो आपको फिजिकल निकालने कोई ज़रूरी नहीं है, आपको बुलाया नहीं जाएगा फिजिकल के लिए, सीधा आपको बुलाया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। किसके लिए, मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ओके, अब आगे देख लेते हैं और भी। देखिए अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका ओवरऑल कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए सभी को पता है कि हमने कट ऑफ देख लिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखिए जनरल के लिए जल्दी से जल्दी रिवाइज करूँगा, जनरल के लिए 65 से 68, OBC के लिए 57 से 62, SC के लिए 48 से 54, ST के लिए 46 से
52, एक्स सॉल्यूशन के लिए 36 से 41, पीएच के लिए 39 से 43। ओके तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो को एंड करते करते, लेकिन मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि हम इन्फॉर्मेशन तो देख ही रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम अगर कुछ पढ़ने के लिए इसमें से देख लें या कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आप पढ़ लें, तो फ्रेंड्स इसमें आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन मिलने वाले हैं एमसीक्यूज। तो फ्रेंड्स आपको करना ही है कि वीडियो को देखते देखते आपको क्वेश्चन कमेंट करना है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनके आपको आंसर नहीं पता पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वीडियो आपको 12 से 1 बजे मिलने वाली है, जो टॉप 500 के क्वेश्चंस हैं, जो कि मैंने आपको प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी मैंने एक मॉक टेस्ट बनाया हुआ है, बताया हुआ है, एक सीरीज चल रही है 500 क्वेश्चंस की, तो उसमें ये क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, किस राज्य में अधिकतम क्षेत्रफल वाली भूमि अनुपयोगी है? क्या अनुपयोगी है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या जम्मू और कश्मीर? अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने आंसर ऑलरेडी डाल दिया, राजस्थान, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आंसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस जैसे अगर क्वेश्चन चाहिए तो और भी, तो आपको 500 जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको देना होगा। अगला आगे देखेंगे, पेट्रोलियम किसका अध्ययन है? तो भूमि का, खनिज का, रॉक का या मृदा का? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही, मतलब ये जो है आपने 7th 8th क्लास में जो आपको पढ़ाया जाता था पेट्रोलियम के बारे में, कि वो सेडिमेंटेशन के बारे में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 7th 8th क्लास में अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा तो अभी तो भी ध्यान होगा। तो ये होता है रॉक, क्या होता है? सेडिमेंटेशन, ठीक है। पेट्रोलियम किसका अध्ययन है? सेडिमेंटेशन यानी रॉक का। आगे देखेंगे, मृदा की लवणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत चालकता मीटर का, हाइग्रोमीटर का, साइकोमीटर का या स्केलर का? तो फ्रेंड्स आंसर तो आपको पता चल जाएगा अभी कुछ ही देर में, लेकिन मुझे कमेंट कीजिएगा क्या आंसर इन वाला है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्युत चालक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर। ओके तो विद्युत चालकता मीटर इसका आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिएगा। आगे देखेंगे, जया और एच के आर 120 किसके दो मुख्य किस्म है? गेहूं के, बाजरा के, ज्वार के, चावल के? तो आपका आंसर होगा चावल के। क्या है? चावल की दो एक किस्म है। अगला देखेंगे, ग्रहण के दौरान छाया के सबसे गहरे भाग को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? हेलो, ब्लैक हेलो, पेनबम्परा या अम्ब्रा? क्या? या अम्ब्रा। तो आप बताइएगा क्या आंसर होने वाला है फ्रेंड्स। अगर ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो आपको 12 से 1 बजे के बीच आना पड़ेगा, तो आप वहां से देख सकते हैं ऑनलाइन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पड़े हुए हैं 500 टेस्ट सीरीज के। तो देखिए ये है अम्ब्रा। क्या है? अम्ब्रा इसका आंसर। अगला देखेंगे, कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल में पृथ्वी समान बड़ा माना जाता है? मर्क्यूरी यानी बुध, मार्स यानी मंगल, वीनस यानी शुक्र, प्लूटो, या प्लूटो को हम प्लूटो ही बोलते हैं। तो इसका आंसर होने वाला है शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी के समान बड़ा माना जाता है। अगला देखेंगे, लैटराइट मिट्टी की संरचना उच्च क्षेत्रों में आपको किस प्रकार की प्रकृति की होती है? किस प्रकार की होती है? क्षारीय होती है, लवणीय होती है, अम्लीय होती है या संतुलित होती है? तो बताइएगा क्या आंसर होने वाला है। लैटराइट मिट्टी की संरचना बतानी है उच्च क्षेत्रों में किस प्रकार की होती है, तो आपका आंसर होगा अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। ओके तो फ्रेंड देखिए, ये सारे क्वेश्चन आए थे, आपको अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो कमेंट करके बताइएगा आपके कितने आंसर सही थे। और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट देना चाहते हैं, तो 12 से 1 भी चाहिएगा और आपको ये वीडियो मिल जाएगी, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, जितना हो सके इतना शेयर कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को, इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर दी, नीचे एक बेल का आइकन दिख रहा है, बेल का आइकन दबा दीजिएगा। अगर बेल का आइकन नहीं दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन का आइकन दिख रहा होगा, रेड का सबसे दबाइएगा, उसके बाद आएगा बेल का आइकन। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप बेल का आइकन दबाएंगे तो मेरे जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएंगे और उन वीडियोज़ को आप इजीली देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।